गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज आपका हिंदी लिटरेचर में पार्ट दो प्रायश्चित। प्रायश्चित का मतलब क्या होता है? पश्चाताप। तो ये कहानी आपकी भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखी गई है और बहुत ही लोकप्रिय कहानी है। ये हमारे जो अंधविश्वास लोग करते हैं उनके ऊपर ये कहानी लिखा गया है। हमारी संस्कृति और धर्म को किस प्रकार इस समय व्यवसाय बनाकर पेश किया जा रहा है समाज में, तो इन सब का प्रभाव इस कहानी से आपको पता चलेगा। देखिए बुक में, अगर कबरी बिल्ली घर पर किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो वह कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई और पति की प्यारी सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका भंडार गृह घर में की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी। नौकरी पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया। मतलब बहू के आने पर सास क्या है, वो आराम से फ्री होकर सारा चाबी उसके हाथ में देकर अपने पूजा पाठ में मन लगाने लगी। लेकिन बहू ठहरी 14 वर्ष की बालिका। कभी भंडार घर खुला तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। मतलब वो उम्र में छोटी थी, उसको उतनी बुद्धि नहीं थी ना समझ थी, इसलिए वो थोड़ी बहुत लापरवाही कर जाती थी। कबरी बिल्ली को मौका मिला घी दूध पर, अब वह जुट चुकी। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। मतलब रामू की बहू को परेशानी होती थी क्योंकि जब वह दूध पी जाती थी, दही खा लेती थी तो उसको डांट पड़ती थी, और बिल्ली का क्या था, वो मजा ही मजा। रामू की बहू दूध ढककर मिसरानी को जींस देने गई और दूध नदारत। मतलब वो किसी काम से गई और इधर आई तो क्या हुआ, दूध गायब। अगर बात यहाँ तक रह जाती तो भी बुरा न था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परच गई कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे से रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब तक आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। मतलब जब तक वो आता उतने में क्या हुआ, बिल्ली ने कटोरी की रबड़ी को खा लिया। बाजार से बालाई आई और अब तक रामू की बहू ने पान लगाई, बालाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो घर पर वह रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही। मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, उसमें दूध मलाई चूहे और बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए। मतलब चूहा पकड़ने का जो होता है ना, चूहादानी, उसको खरीद के लाया गया और उसमें ये सारी चीज़ें व्यंजन जो हैं रख दिए गए कि किसी तरह से बिल्ली इसमें फंस जाएगी। लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखाई। अभी तक तो रामू की बहू से डरती थी पर अब वह साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उसको हाथ न लगा सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू का घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झड़कियाँ और पति देव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। क्यों? क्योंकि जब बिल्ली सारा चीज खा लेती थी तो सास क्या होता, उसको डांटती थी और पति के लिए भोजन ही सूखा बचता था क्योंकि दूध दही वो सब खा लेती थी। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में उठाए गए, सोने के वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऊंचे ताक पर रखा गया जहाँ बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने चली गई। मतलब खीर बढ़िया से बनाकर उसने क्या हुआ, ऊपर रख दिया था कि यहाँ बिल्ली नहीं पहुंच सकी और सकती, और वो पान लगाने के लिए चली गई। उधर बिल्ली कमरे में आई, ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा, सूंघा, माल अच्छा है, ताक की ऊंचाई अंदाजी, और देखा रामू की बहू
पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने के लिए चली गई तो गबरी ने छलांग मारी, पंजा कटोरे में लगा और पंजा झंझना कर और लगा और कटोरा झंझना कर झंझनाहट की आवाज़ के साथ फर्श पर, मतलब जब वो पान देने अपनी सास को गई इतने में बिल्ली को मौका मिला और उसने छलांग मारकर कटोरे को नीचे गिरा दिया। आवाज़ रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वह दौड़ी, क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डट कर खीर उड़ा रही है। मतलब फूल का एक कटोरा जो फूल होता है वो एक धातु होता है जिसको कि अगर ज़ोर से पटको तो टूट जाता है। अब तो सब लोग स्टील के बर्तन में खाना बनाते हैं और रखते हैं, पहले फूल और तांबे का पीतल का ही बर्तन चलता था। तो इस तरह जब उसने छलांग मारी तो वह बर्तन नीचे गिरने से क्या हुआ, फूट गया और चारों तरफ खीर बिखर गया। लेकिन उसको डर नहीं था, वो बैठकर खीर खाए जा रही थी। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत, और जब उसने रामू की बहू को देखा तो वह दौड़कर भाग गई। रामू की बहू पर खून सवार हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। न रहे बाँस न बजे बाँसुरी, उसने सोचा कि आज तो मेरी मैं इसकी ऐसी की तैसी कर दूँगी, न ये घर में रहेगी और न इतना हमें परेशानी देखनी पड़ेगी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली, उसने सोचा कि आज मैं इसको मार डालूँगी। रात भर उसे नींद न आई, किस दावों से कबरी पर वार किया जाए कि फिर वह जिंदा न बचे, पड़े पड़े यही सोचती रही। मतलब रात भर वह केवल बिल्ली को भगाने का मारने का ही उपाय सोचती थी। सुबह हुई तो वह देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही थी। देहरी जानते हो बच्चा क्या होता है, जो दरवाज़ा होता है ना उसके नीचे एक लकड़ी का बना हुआ चौखट होता है, देहरी उसको हम लोग कहते थे। अब आपके समय में क्या है वो बहुत कम घरों में होता है, पहले ये ज़रूर होता था। रामू की बहू ने कुछ सोचा इसके बाद मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वह लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी है। मौका हाथ में आ गया, सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली न डुली न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम पलट गई।